हेलो हेलो नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत करते हैं जेटीसी आई के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की जो प्रश्नावली है वो है अपने भारतीय भूगोल पर इंडियन ज्योग्राफी देखते हैं आप अपने भारत के बारे में उसकी ज्योग्राफी के बारे में कितना जानते हैं ठीक है इंडियन ज्योग्राफी की क्विज है तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़ जाइए कुछ ही देर में सेशन शुरू करने वाले हम आइए आज सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना पर नजर डालते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अभी तनाव चल रहा है आपने देखा होगा फिलिस्तीन एक इस्लाम समर्थित देश है और वहीं इजराइल जो है उसमें तीनों धर्म है यहूदी इस्लाम और ईसाई तीनों धर्म के वहां पर निवासी भी वहां पर निवास करते हैं और ऐसा क्या हुआ है जो विवाद हुआ है उसको जानने की पूरी कोशिश करेंगे इजराइल पुलिस द्वारा गेट पर नाकाबंदी के बाद से गाजा पट्टी में तनाव बढ़ रहा है ये गाजा पट्टी शुरुआत से इजराइल सीरिया के बीच तनाव का कारण रही है कहीं ना कहीं भारत भी यूएन में इजराइल के पक्ष में वोट देने से कतराता है इस मामले में ठीक है और देखना आप ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा से रहा है दमिश्क इजराइल दमिश्क जो है सीरिया की राजधानी दमिश्क गेट यहाँ यरूशलम शहर के मुख्य द्वार में से एक है और यह उस राजमार्ग पर स्थित है जो सीरिया की राजधानी दमिश्क को जोड़ता है तो दमिश्क गेट जो है याद रखना आप सीरिया की राजधानी है दमिश्क वो जोड़ता है इसराइल को सीरिया से तनाव के कारण है इजराइली सशस्त्र बलों ने हाल ही में इसराइल में, में अल अक्सा मस्जिद एक मस्जिद है अल अक्सा मस्जिद उस पर हमला किया और यहाँ जियोनिस्ट राष्ट्रवादियों के मार्च से पहले किया गया था एक यरुसलम मार्च किया गया था जियोनिस्ट राष्ट्रवादियों का उससे पहले यह हमला किया था इसराइल में अलक्सा मस्जिद में इजरायली सशस्त्र बलों ने इजरायली सशस्त्र बलों की कार्रवाई में 300 से अधिक फिलिस्तीनी घायल हो गए थे फिलिस्तीन के 300 से अधिक निवासी वहां पर क्या हो गए थे मतलब 300 से अधिक फिलिस्तीनी जो वहां थे मस्जिद में वो घायल हो गए थे उस हमले के जवाब में हमास हमास ने दर्जनों रॉकेट दागे और हमास एक इस्लामिक आतंकवादी समूह है हमास जो है एक इस्लामिक आतंकवादी समूह है एक नया आतंकवादी समूह आपको पढ़ने को मिल रहा है उसका नाम है हमास आई बात समझ में और धीरे धीरे जुड़ रहे हैं पब्लिक हमास जो है वो क्या है एक इस्लामिक आतंकवादी समूह है जो गाजा पट्टी से चलता है और इसके जवाब में इसराइल ने भी गाजा पर हवाई हमला किया इसमें 21 से अधिक फिलिस्तानियों की क्या हो गई अभी तक मौत हो गई है मौजूदा विवाद के पीछे कारण क्या है बेरिकेट की घटना के बाद पूर्वी यरूशलम में फिलिस्तीन परिवारों को बेदखल करने की धमकी दी गई थी इससे इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई और इन झड़पों के दौरान दर्जनों इजराइल पुलिस कर्मी और सैकड़ों फिलिस्तानी घायल हो गए यरूशलेम मार्च क्या था ज़ियोनिस्ट लोगों को यरूशलेम दिवस मार्च आयोजित करने की अनुमति दी थी इजराइल की सरकार ने यह पारंपरिक रूप से ज़ियोनिस्ट द्वारा आयोजित किया जाता है हालांकि इजरायली सशस्त्र बलों ने अल-अक्सा मस्जिद पर हमला करते हुए दावा किया था कि फिलिस्तीनियों ने पत्थर और कॉकटेल के साथ मस्जिद में डेरा डाला था इसीलिए उन्होंने अल-अक्सा मस्जिद पर क्या कर दिया आक्रमण कर दिया था ठीक है हमला कर दिया था जेरूसलम क्या है लंबे समय से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष का केंद्र है जेरूसलम संयुक्त राष्ट्र विभाजन की योजना ने जेरूसलम को उन्नीस में एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का प्रस्ताव रखा था एक तरह से बफर स्टेट कह सकते हो आप इसे बफर राज्य अंतरराष्ट्रीय शहर बनाने की पेशकश की थी लेकिन उन्नीस में प्रथम अरब इजराइल युद्ध के दौरान इजराइल ने शहर के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया था और जॉर्डन ने पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया तो ये याद रखो देखो अगर इस तरह से देखेंगे तो इस पश्चिमी हिस्से पर तो इजराइल ने कचरा मतलब जो कब्जा कर लिया था और इस पूर्वी हिस्से पर जॉर्डन का कब्जा हो गया अब बाद में उन्नीस में इसराइल ने जॉर्डन से पूर्वी यरूशलम पर कब्जा कर दिया जोर्डन से किसने इजराइल ने इस पूर्वी यरूशलम को भी क्या कर लिया छीन लिया इसको भी छीन लिया ठीक है तो ये जोर्डन का नहीं रहा अब ये इजराइल का है बाद में इजराइल ने पूर्वी यरूशलम में बस्तियों का विस्तार किया और आज पूर्वी यरूशलम में दो लाख बीस हजार क्या है यहूदी है वे क्या चाहते हैं इजराइल पूरे यरूशलम शहर को अपनी एकीकृत राजधानी के रूप में देखता है इस दावे पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भी समर्थन दिया गया था दूसरी ओर फिलिस्तीन तब तक किसी भी समझौते के फॉर्मुल को स्वीकार नहीं करने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि पूर्वी येरुशलम को उसकी राजधानी नहीं बनाया जाता तो कुल मिलाकर ईसा मसीह के जन्म की यह धरती येरुशलम अब तनाव का कारण बन चुकी है और इस पर एक पूरा वीडियो डालने की हमारी कोशिश है जिससे आपको गाजा पट्टी और सीरिया का पूरा इतिहास पता लगे तो ये था पूरा इतिहास और कुछ अच्छी मात्रा में व्यूवर्स जुड़ जाए तो सात व्यूवर्स आज क्या बात है गए कहाँ हैं सब समझ में नहीं आया भाई आज सारे व्यूवर्स कहाँ गए क्या उनको क्लास का पता नहीं लगा चलिए भाई शुरुआत करते हैं अपनी जीके सीरीज की पहला प्रश्न पहला प्रश्न आ चुका है भाई नौ व्यक्ति हो चुके हैं भाई ए भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच है भारत ये आंसर आया अभी तक केवल अजय कुमार जी का और किसी का आंसर नहीं आया भाई भाई और भी आंसर दीजिए भाई कहा गए सभी के सभी आज कहा गए भाई आज सभी राधे राधे प्रशांत सर कनिका है इसका आंसर आ गया है ए आज बच्चे पता नहीं कहां चले गए भाई गुड इवनिंग संजाड़ा जी बिल्कुल सही आंसर है भाई बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों कुदरत चिड़िया को खाना ज़रूर देता है लेकिन घोंसले में नहीं बिल्कुल सर उसको तो खाना खाने के लिए बार बार उड़ना पड़ता है और बार बार इकट्ठा करना पड़ता है और भारत का अक्सांसी विस्तार जो है ये आठ डिग्री चार मिनट से लेकर सैंतीस डिग्री छः मिनट तक है ये बिल्कुल सही आंसर है और यदि भारत का देशांतरीय विस्तार पूछ लिया जाए आप लोगों से का भारत का देशांतरीय विस्तार बताइए तो देशांतरीय विस्तार जो है हमारा वो अड़सठ डिग्री सात मिनट से लेकर नाइन्टी सेवन डिग्री पच्चीस मिनट तक है ठीक है नाइन्टी सेवन डिग्री पच्चीस मिनट तक है ये भारत का देशांतरीय विस्तार है और ये भूमध्य रेखा के उत्तर में अक्षांशीय विस्तार है अब ये देशांतर भी जो है हमारा वो कौन सा देशांतर है पूर्वी देशांतर अर्थात हम भारतवासी उत्तर पूर्व में आते हैं ग्लोब की स्थिति से ठीक है दुनिया के विश्व के मानचित्र में हमारी स्थिति जो है वो कैसी है उत्तर पूर्व की है ठीक है विश्व के मानचित्र में आई बात समझो हम उत्तर पूर्व के निवासी है ठीक है उत्तर में और इधर पूर्व में ठीक है ये याद रखने वाली चीज़ें भाई याद होना चाहिए है ना गुड इवनिंग अंशु जी चेतन सर गुड इवनिंग इसके पहले सर मैंने इजराइल की कहानी बताई थी आज ये देखिए आप इजराइल की और अब जो है इजराइल पर हम एक वीडियो भी बनाएंगे सर और मैं चाहूँगा कि आप एक अपना ओनली वर्बल वीडियो दे, दे दें जिसमें इजराइल के बारे में पूरा समझाएं ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जान पाएं पूरी कहानी इजराइल की क्या है गुड इवनिंग केशव तिवारी जी टेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है टेम्पियर होजेस रेखा राम राम रूबी आ जाओ भाई क्विज में कोई बात नहीं केशव जी कोई दिक्कत नहीं है हो जाता है कभी कभार कंप्यूटर महोदय पानी की व्यवस्था की जाए एम्पियर हो रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दीपू जी का आंसर आया डी कनिका इसका आंसर है डी ललितेश सेनी ने आंसर दिया है डी रूबी का आंसर आ चुका है डी अजय कुमार जी का आंसर आ चुका है डी और आंसर भाई अंशु दीक्षित जी का भी आंसर आ चुका है डी और आंसर भाई भाई आंसर इतने कम कैसे आ रहे हैं आज कहाँ उड़ गए सभी परिंदे और दिन तो फटाक फटाक से आंसर आते थे सुंदर बिल्कुल सही है डेम्पेर होजेस एक काल्पनिक रेखा है जो सुंदरबन में अठारह सो तीस में खींची गई थी इसके अतिरिक्त मैं आपको एक और बात बता दूं कि यह बंगाल के हमारा जो बंगाल है पश्चिम बंगाल उसके 24 परगना जिले की सीमा बनाता है बांग्लादेश से ठीक है हमारे 24 तो परगना जिले की सीमा बनाता है ये ठीक है अठारह से 30 में खींची गई रेखा थी डेम्पियर होजेस रेखा अच्छा क्वेश्चन था भाई ठीक है ये याद रखना सुंदर बंश इसका आंसर होगा ठीक है अगला प्रश्न अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है भाई अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है अलमट्टी बांध अविनाश सर बोल रहे बी क्या बात है आज तो अविनाश प्रधान जी का आंसर आ गए बी और आंसर भाई अजय कुमार जी का आंसर आ चुका है ए कनिका इसका आंसर आ गया है ए ललितेश सेनी जी बोल रहे हैं ए और भाई कोई आंसर भारतीय ज्योग्राफी तीसरे का ए बताया केशव तिवारी जी ने रूबी ने आंसर ये बताया अविनाश प्रधान जी का आंसर बी है अजय कुमार जी का है कनी का है इसका आंसर ए ललितेश सेनी का आंसर आ चुका है ए चलो भाई बिल्कुल सही आंसर है अलमट्टी बांध परियोजना कृष्णा नदी रिवर पर है कृष्णा नदी पर और सन 2005 में बनकर पूरी हुई थी कर्नाटक के उत्तर में ठीक है कृष्णा नदी पर है ये ठीक है बिल्कुल सही आंसर है अविनाश सर को छोड़कर बाकी सभी का अगला देखो भार चुक्की डेम कहां पर है भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है भार चुक्की प्रपात कहां स्थित है भाई भार चुक्की प्रपात 2005 कर्नाटक बहुत सही भाई रोहित सोनी कनिष्क जुड़ चुके हैं रूबी का आंसर आ गया है ए कनिष्क का आंसर है ए, ए कर्नाटक अंशु दीक्षित जी का आंसर आ चुका है ए कर्नाटक केशव तिवारी जी का आंसर आ चुका है ए कर्नाटक सचिन कुमार जी का आंसर आ चुका है ए चलो भाई बिल्कुल सही आंसर है कर्नाटक एक आपने जोग जल प्रपात का नाम चुका हो एक शिव समुद्रम का नाम सुना होगा भाई उसी शिव समुद्रम पे कर्नाटक में है भाई ये ठीक है आई बात समझ में भार चक्की प्रपात जो है कर्नाटक में है समुद्रम का आप सबने नाम सुना होगा जो बेंगलोर से 130 किलोमीटर दूर है वो जल प्रपात समुद्रम प्रपात का ही क्या है हिस्सा है ठीक है अगला प्रश्न संकोष नदी किन दो राज्यों के बीच में सीमा बनाती है संकोश नदी संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच में सीमा बनती है ठीक है बिल्कुल सर इट इज अ पार्ट ऑफ शिव समुद्रम अभी अभी बात हुई आज तो रोहित सोनी फुल फॉर्म में है भाई बिल्कुल शरावती रिवर है बिल्कुल सही है जिसपे जोग जल प्रपात है मैं आपसे पूछ रहा हूँ संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है संकोश चुनाव हुए भैया अभी उस राज्य में अभी चुनाव हुए उन राज्य में दीपू जी बोल रहे हैं सी केशव जी बोल रहे हैं ए कनिका जी का आंसर है ए रूबी का आंसर है सी शिवा कुमार का आंसर है शिवा कुमार क्या बात है स्वागत है बेटा कभी कभी आते हो कभी कभी जाते हो क्या बात है अंशु दीक्षित बी सी अजय कुमार सी पी एल पाकर ए रोहित सोनी वेस्ट बंगाल शिव कुमार जैन सर अच्छा अच्छा जी आंसर आया क्या चलो भाई बता देते हैं आप सबको आंसर असम और अरुणाचल प्रदेश आएगा इसका आंसर और एक और बात बताऊ ये संकोष नदी उत्तरी भूटान से निकलती है मेरे भाइयों ये जो संकोच नदी है ये उत्तरी भूटान से निकलती है उत्तरी भूटान से निकलकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है इस असम में कहाँ मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है समझे मेरे भाइयों दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और इसके अलावा असम में अभी अभी विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी के हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री चुने गए हैं ठीक है थीके? तो असम और अरुणाचल प्रदेश उत्तरी भूटान से निकलती है नदी और निकलकर कर कहाँ मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है असम में ठीक है आई बात समझ में इसीलिए आंसर देखो बड़े ज़ोर से और यही उनके बीच में सीमा निर्धारित करती है पेमा खांडू हेमंत सोरेन अरे पेमा खांडू ठीक है हेमंत सोरेन कहाँ से आ गया भाई अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू तो ठीक है आगे देखो बेटा कोई बात नहीं रोहित सोनी सोरी वोरी नहीं बोलना है भाई आगे बढ़ना है बस नमस्कार सुनील स्वागत तो है गुड तो इवनिंग कृति गुप्ता जी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है <coughs> पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है क्या ये बाह्य हिमालय का हिस्सा है या ये आंतरिक हिमालय का हिस्सा है या ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है बताओ भाई सब बोल रहे जम्मू कश्मीर सबको जम्मू कश्मीर ही चाहिए जे एस के जे एंड के जे एस के क्या बात है सबको जम्मू कश्मीर ही चाहिए चाहे केशव तिवारी दीपू जी कनिका जी ललितेश सैनी प्रीति गुप्ता जी चेतन कोहर सर सुनील सिंह रोहित सोनी सबको चाहिए जम्मू कश्मीर मिल गया भैया ये लो खुश हो जाओ और इतना और याद रखना कि जम्मू कश्मीर के अलावा इसका कुछ बाग किस में आता है हिमाचल प्रदेश में भी आता है और एक और बात याद रखना भाई हिमाचल प्रदेश के अलावा यह जो है 1400 किलोमीटर से लेकर इसकी ऊंचाई 4000 सॉरी 1400 मीटर किलोमीटर बहुत हो गया भाई मीटर से 4000 किलोमीटर 4000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है ठीक है और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का भी वो भाग जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके में है अधिकतर उसमें चला गया है ठीक है भाई ये आंतरिक हिमालय का हिस्सा है भाई आंतरिक हिमालय का आंतरिक हिमालय का है भाई लघु हिमालय का नहीं आंतरिक हिमालय इनर हिमालय का ठीक है आंतरिक हिमालय का हिस्सा है भाई ये आई बात समझ में ठीक है ये बात सही है जवाहर सुरंग और अटल सुरंग इसमें है। ये लेकिन यह आंतरिक हिमालय का हिस्सा है ना आगे बढ़ो भाई उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है उत्तर पश्चिम पवनों के कारण भारत में क्या होता है भाई सेवन का ए सभी का आंसर आ रहा भाई ए सभी बारिश करा रहे हैं भाई उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हा ठीक है भाई बिल्कुल उत्तर पूरी भारत में शीतकालीन में बिल्कुल सही बात है भाई उत्तर पूरी और जिसका सबसे अधिक हिस्सा किस पर बचता है कोरोमंडल तट पर है ना ये भी पता है ना आप लोगों को कोरोमंडल तट पर इस तट पर है ना आई बात समझ में ये वाला जो तट है ये कोरोमंडल तट उसका कारण क्या होता है यहां पर उच्च दाब का केंद्र रहता है शीतकाल में हिंद महासागर में है ना और सॉरी माफ कीजिएगा यहां निम्न दाब का रहता है जब तो उत्तर से पश्चिम की ओर हवा आएगी और यहां उच्च दाब का केंद्र रहता है शीतकाल में और ग्रीष्म काल में इससे उल्ट हो जाता है यहां पर यह तिब्बत का पठार वगैरह जो है ठीक है तो हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है तो ले जाए ये हवाएं जाने का हाँ ठीक है तो ये उत्तर से पश्चिम की ओर हवाएं जो है ले जाएंगी ठीक है ये आपको एक प्रारूप बताया गया है यहां पर आंसर है विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया अगला प्रश्न निम्नलिखित ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी को लोहित कहते हैं अच्छा निम्नलिखित में से भारत में उत्पन्न वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है कामयाबी है जो ठोकर लगने पर ही मिलती है तो गुरु ठोको और ठुकवाओ वैक्सीन, बात सुनील सिंह ने तो लंबाई तक लिख दी गंगा की 2525 किलोमीटर क्या बात है हर हर गंगे उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई पूरे उत्तर भारत में होती हुई ये नदी बिहार उत्तर प्रदेश बिहार उसके बाद पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में होती हुई बंगाल खाड़ी में गिर जाती है गंगा नदी और इसकी लंबाई कितनी है 2500 25 किलोमीटर यदि अगर इसमें भारत नहीं होता और केवल सबसे लंबी नदी पूछते तो ब्रह्मपुत्र आता ठीक है आई बात समझ में ये चीज़ याद रखना गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड के अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है ठीक है गंगोत्री उत्तराखंड उत्तराखंड के तो दो निवासी अभी लाइव भी हैं वो तो जानते होंगे गंगा की महिमा रोजाना गंगा के पानी के आसपास उसकी कलकल -कल करती हुई ध्वनि को सुनते होंगे मजे से <laughs> सहायक नदी बारा, यमुना गंडक टोस सोन बेतवा बिल्कुल सही है भाई और ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी को लोहित कहते हैं और जो जेटीसी पे एक लाइव क्लास ले उन्हें आचार्य रोहित कहते हैं क्या बात है सर <laughs> केशव तिवारी जी और अंशु दीक्षित जी का अत्तर आ चुका है बिल्कुल रोजाना मतलब कितना सौभाग्य आप लोगों के आप देवभूमि में रहते हैं भाई बहुत अति सौभाग्यशील हैं आप वृंदावन निवासी और एक उत्तराखंड निवासी ये तो बड़े ही सौभाग्यशील व्यक्ति है भाई एक यमुना किनारे तो एक गंगा किनारे कोई बात नहीं बेटा बैटरी और नेट दोनों को दुरुस्त करके कल इसका रिकॉर्डिंग देख लेना कोई चिंता नहीं है प्रहलाद जी हाँ भाई ए, चलोड़ मृदा एलुवियल सॉइल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है ये नम नहीं है भाई ये नम ये नमी है नमी और नमी को नमी और यहां भी आएगा ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी सब आंसर बता रहे डी ज्योति तोमर जी का आंसर आ रहा है बी केशव तिवारी जी का आंसर है सुनील सिंह का आंसर है ए चेतन कौर सर बता रहे हैं डी देखो बात करें यदि हम जली और मृदा की तो भारत में एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है असत्य पूछा था बेटा असत्य बिल्कुल सही है यह मृदा काफी उपजाऊ होती है बहुत उपजाऊ होती है तभी तो यूपी और यूपी और बिहार के कई सारे हिस्से जो क्या है उपजाऊ मैदान है आए बात जिम्मे यूपी और उत्तराखंड के मैदान तो बड़े उपजाऊ है इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है बिल्कुल नाइट्रोजन की कमी होती है और फॉस्फोरिक होती है ठीक है यहाँ फॉस्फोरिक ज्यादा होता है इसमें ये नहीं होता भाई क्ले की मात्रा काफी अधिक होती है और नमी को ज्यादा नहीं भाई नमी ज्यादा देर तो काली मिट्टी रखती है ये थोड़ी रिखती है भाई ठीक है ये तो काली मिट्टी रखती है भाई नमी ज्यादा देर तो काली मिट्टी जो होती है ठीक है ये नहीं रखती तो आपका आंसर होगा ये ठीक है डी अपना आंसर क्या होगा डी ये असत्य है भाई है ना आंसर अपना है डी ये असत्य है ठीक है आई बात समझ में अगला प्रश्न कीजिए भाई तभी तो कह रहा असत्य पूछा हा हेलो हम्म ठाकुर शीर के शेर प्रणाम भाई प्रणाम निम्नलिखित में भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है भाई निम्नलिखित में से भारत के सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है भाई डी 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 मालावार केरल डी सबका आंसर आ रहा है डी जय हिंद गुरुदेव जय हिंद भाई डी आंसर आ रहा भाई सभी का क्या बात है डी 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 मालावार केरल के कोस्टल एरिया को कहते हैं कहना क्या चाहते हैं सर आप बच्चे आंसर का जो दे रहे हैं बेटा केरल तो आप सही बता रहे हो लेकिन आई थिंक मालावार नहीं यू शुड बी थिंक अबाउट कुट्टानाथ केरल इट्स आंसर इज कुट्टानाथ केरल बिकॉज ऑफ कुट्टानाथ केरल इज बिनी ऑफ़ 2.2 मीटर फ्रॉम ओशियन लेवल 2.2 मीटर नीचे है समुद्र तल से भी आई बात समझ में दैट इज द रीजन कुट्टानाथ केरल जिसमें अलियप्पा जिला और कोट्टायम जिला अलियप्पा और कोटायम जिला ये जिला पढ़ते हैं भाई बाढ़ में बड़ी बुरी आरत हो जाती है इनकी बाढ़ जब भी बाढ़ आती है तूफान आते हैं चक्रवात आते हैं तब बड़ी और ये सर ने बिल्कुल सही बताया था इस तरीके से यदि सॉरी इस तरीके से यदि भारत का देखोगे तो ये मालाबार तट है भाई मालाबार कोस्ट केरल का ये है कोरोमंडल ठीक है ये वाला है उत्तरी सरकार उड़ीसा वाला उत्तरी सरकार ऊपर बंगाली खाड़ी वाला प्रदेश आ गया पूरा ठीक है इधर देखो आप यहां पर अगर आप जाओगे तो कोंकण ठीक है और सर क्रीक वाला हिस्सा जो आ जाता है इधर ठीक है काठियावाड़ का पठार वगैरह है ना आगे चलते हैं भाई तो आंसर आएगा कुट्टानाथ केरल बिल्कुल पिनाई विज विजयन अभी सीएम है यहाँ के बिल्कुल सर आप सही कह रहे हो मालावार केरल के कोस्टल एरिया को छोड़कर बाकी सारा पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर और मसाले के लिए बहुत फेमस है जी ठाकुर साहब जी आंसर कहाँ है मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है अच्छा डी बोल रहे थे आप इंडोनेशिया आशुतोष कुमार जी आ चुके हैं स्वागत है सर ज्योग्राफी ऑप्शनल शीशपाल भी आ चुका है विष्णु कुमार जी स्वागत है भाई कर्नाटक से आपका रोहित सोनी भी ललितेश सेनी डी 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 कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है सबको पता है भाई ऑस्ट्रेलिया ब्राजील कनाडा तो भारत से बड़ा है रूस कनाडा अमेरिका चीन ऑस्ट्रेलिया ब्राजील के बाद जो सातवें नंबर पर देश आता है वो है हमारा भारत तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया मसाला द्वीप है ना ये मसाला द्वीप बड़े नहीं है ठीक है आई बात बाकी ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील कनाडा हमसे बड़ा है सबसे पहले कौन सा देश आता है रूस फिर कौन सा आता है बताइए कनाडा ठीक है कनाडा सेकंड नंबर पर है थर्ड नंबर पर अमेरिका और चीन में बहुत बड़ा प्रतिद्वंद है लेकिन अमेरिका को ही माना जाता है चौथे नंबर पे एनसीआरटी अमेरिका को ही मानती है चीन है पांचवा और छठा नंबर ले रखा ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील ने आई बात समझ में उसके बाद फिर आते हैं हम हमारा भारत ठीक है ये प्रमुख देश है भाई याद रखना ये क्रम भी याद रखना ठीक है आई बात समझ में एक क्रम याद रखना आप बिल्कुल रुक चीन अब आ भारत ट्रिके इसमें बिल्कुल भाई ज्योग्राफी में तो बहुत ट्रिके हैं माउंट सिनबाग ज्वालामुखी फटा इंडोनेशिया में बिल्कुल सही है भाई अच्छा आई एम नॉट फ्रॉम ज्योग्राफी ऑप्शनल कोई बात नहीं सर देखो भाई सुनो इधर इधर देखो भाई एक बात जो सर ने बताई है सिंह बाग माउंट सिन बाग ज्वालामुखी अभी, अभी अभी फटा है भाई तो ये याद रखना सिनबाग ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी जो अभी अभी फटा है वो कहाँ पर है इंडोनेशिया में माउंट कला ठीक है ये भी याद रखना आप कई सारे स्टेटिक जीके फॉर और कम्पट बिल्कुल सर स्टेटिक जीके जो है बहुत हेल्पफुल है हेल्पफुल है ठीक है तो इंडोनेशिया में बहुत सारे ज्वालामुखी द्वीप है भाई और सभी प्रकार के द्वीप हैं क्यों ना समझे इंडोनेशिया में कि केवल सक्रिय है एक्टिव वॉल्केनो है वहां पर डिस्टिंक्ट वॉल्केनो भी हैं। ठीक है एक आए से माउंट सिनाबर्ग दो मीटर इसके अलावा माउंट क्राका तोआ ठीक है माउंट तम्बोरा बहुत सारे भाई वहां पर है ना जय हो जवा दीप पर बिल्कुल सही कह रहे हो भाई अगला प्रश्न खारदुंग पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है गलत मत करना दर्रे पर एक प्रश्न आता ही आता है भाई भाइयों दर्रो पे प्रश्न आता ही आता है कृपया करके गलत ना करें दर्रो को और दर्रों की ट्रिके जितनी तुमने याद कर रखी है कर लेना भाई अभी हम लगातार जब ज्योग्राफी पे लाएंगे तब दर्रे भी पढ़ाते चले जाएंगे ठीक है हार दुंग दर्रा दर्रों की ट्रिक भी है आपको भी पता है ठीक है सब पढ़ रहे होंगे घर पर बहुत अच्छी तरीके से इसीलिए मेरे भाइयों दर्रे तो गलत मत कर देना तुम ठीक है हर राज्य की एक अलग अलग ट्रिक है भाई दर्रे की नितिन गुप्ता जी की बहुत फेमस ट्रिक है भाई उनको धन्यवाद दो कि उन्होंने इतनी मेहनत करी हमारे लिए कि ट्रिके बनाई है ठीक है हाँ भाई हार दूंगा बिल्कुल सही कह रहे हो अविनाश सर यूपी यूपीएससी प्रीलिम्स जो है वो 10 अक्टूबर तक पोस्टपोन हो चुका है पर इसका मतलब ये नहीं है मेंस तो जल्दी हो जाएगा और इंटरव्यू उसी टाइम पर ही होगा तो इसीलिए उन्होंने क्या किया चाला कि मेन्स का टाइम कर कर कम हो गया इसलिए याद रखना ये तो कोनो, कोरोना पेंडेमिक है इसलिए इतना हो रहा है एपिडेमिक जो महामारी है उसलिए इतना हो रहा है पर फिर भी तैयारी बनाए रखे थोड़ा सा भी यहाँ लूज हुए और आपकी रैंक नीचे जाएगी या फिर आपका सिलेक्शन आपके हाथ से छूट जाएगा ये मान के चलना आप ठीक है हाँ भाई सबके आंसर सी हैं सब के आंसर सी ले डिस्ट्रिक्ट लद्दाख सर कह रहे हैं लद्दाख सर लद्दाख में बिल्कुल अब तो ले डिस्ट्रिक्ट लद्दाख आ चुका है सर बिल्कुल सही है सर आपका आंसर अगर यहाँ मैं लद्दाख लिख देता तो दिक्कत हो जाती है अभी जम्मू कश्मीर ही बताएंगे और वैसे ये ले डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में चला गया है ये सर का बिल्कुल सही है भाई ठीक है ले डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे और इसके अलावा ले क्या है यूनियन टेरिटरी बोलेंगे इसको यूनियन टेरिटरी ठीक है आई बात समझ में यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो अभी अभी केंद्र शासित प्रदेश किया गया हाल ही के वर्षों में लेह लद्दाख में जो है ये है और वैसे इसका आंसर जम्मू कश्मीर जब तक पुराना ढर्रा चल रहा है लेकिन अब ध्यान रखें अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर की चीज़ों को अलग अलग करके पढ़ना चालू कर दें ये याद रखना ठीक है आई बात समझ में यूपीएसआई कब हो सकता है भाई मुझसे कृपया करके एग्जाम की डेट मत पूछो मैं आपके जीवन में आगे क्या हो सकता है शायद इसकी घोषणा बिल्कुल सही कर दूं पर अब मुझसे ये मत पूछो कि कौन सा पेपर कब होगा क्योंकि मेरे सारे प्रडिक्शन धरे के धरे रह गए सरकार है जो है पटवारी 2019 से एग्जाम नहीं हो रहा है आर आया है पर पता नहीं कब होगा रीट अभी तक पता नहीं है जून में भी नहीं होगी तो इसीलिए अब डेट का मैं नहीं कह सकता यूपीएससी का डेट फिक्स है दस अक्टूबर तो दस अक्टूबर ही होगा ठीक है ये बताओ भाई दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर दिए गए बंदरगाहों को पोर्ट को आपको साउथ से नॉर्थन डायरेक्शन में लगाना है साउथ से नॉर्थ साउथ से नॉर्थ जाना याद रखना ठीक है भाई पावनी वेलकम बेटा पावनी आपका आंसर बिल्कुल सही था सी बट अब आप याद रखना लेह में आ चुका है लद्दाख में खार दूंगा है ना बेटा जब से लेह डिस्ट्रिक्ट एंड अदर डिस्ट्रिक्ट जो है जो आपकी जम्मू कश्मीर है अलग अलग हुई है तब से ठीक है ठीक है ना श्योर योर सिलेक्शन <laughs> सर मैंने इस साल नहीं भरा लेकिन अगले साल में अपना जो है अंतिम अटेम्प्ट जरूर दूंगा सर जी थी। थी आंसर आ रहा है भाई तिरुवनंतपुरम कोचिन कालीकट मंगलोर दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर चल रहे हैं तो भाई बिल्कुल सोच समझ के चलना यूपीएसआई में तो चेतन सर आपका सिलेक्शन पक्का है कोचिन कालीकट मंगलोर कालीकटक डाबू बंदरगाह जहां पर कौन आया था वास्को डिगामा चौदह सौ विष्णु कुमार जी इतना मोटिवेशन दे देते हैं मुझे अंदर से बड़ा अच्छा लगता है जब दूसरे स्टेट के व्यक्ति <coughs> और हमारे पूरे अखंड भारत की रचना करने वाले व्यक्ति हमें जो है मोटिवेशन देते हैं यानी कि हमारा सपोर्ट जो है देखो कहाँ कहाँ से होता है इसका बड़ा इंतुजियाज्म इंतुजियामिटिक जो भावनाएं आती है वो हमारे अंदर से इमोशन जो जाग जाते हैं और यहाँ भी बिल्कुल सही इमोशन जगाए सबने लगाया बिल्कुल सही है भाई सी तिरुवनंतपुरम केरल में केरल में तिरुवनंतपुरम और केरल में ही फिर इसके थोड़ा सा उत्तर चलेंगे तो कोचिन और केरल में ही कालीकट और ये वही कालीकट है भाई जहाँ पर सबसे पहले चौदह में कौन आए थे आपके पुर्तगाली पुर्तगाली यात्री कौन थे भाई पुर्तगाली व्यापारी माफ़ कीजिएगा वास्को डिगामा वास्को डिगामा आए थे भाई अब्दुल मजीद जो पथ प्रदर्शक थे उन्होंने भेजा था इनको आशा के उत्तरदीप से है ना यानी कि कैप ऑफ गुड होप है ना केप ऑफ गुड होप से इन्होंने यात्रा की थी और कालीकट बंदरगाह पर आए थे कप्पक डाबू कप्पक डाबू नाम है वैसे उसका बंदरगाह का कप्पक डाबू ठीक है ये है भैया वो ठीक है बास्को डिगामा जो काली और मंगलोर आप कर्नाटक में आ गए भाई मंगलोर कर्नाटक बाहुबली की जो देवसेना है ना वो मंगलोर की है भाई मंगलोर की है, मंगलोर की है वो बाहुबली की देवसेना जो है अनुष्का शेट्टी है ना हमारी फेवरेट हीरोइनों में से आती है भाई मंगलोर की है वो कर्नाटक की योगा टीचर थी उसके बाद हीरोइन में अपने उन्होंने एक्ट्रेस जो है अभिनय में उन्होंने अपना जो है जीवन चालू किया करियर चालू किया ठीक है और सक्सेसफुल करियर रहा भाई उनका आगे देखिए भाई चौदह बिल्कुल जेमोरिन ने स्वागत किया था क्या बात है आप जैसो का अगर साथ रहा तो बिल्कुल ठाकुर साहब झंडे गाड़ देंगे आप चिंता मत करो और वैसे भी ठाकुरों की वाणी मैंने कभी फेल होते हुए देखी नहीं है भाई ठाकुर जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं और उसको करने के लिए जी जान तक के लिए समर्पित रहते हैं भाई आपकी शादी हो गई है सर हाँ <laughs> बिल्कुल विष्णु कुमार जी आपका स्टेट है ये कर्नाटक बेंगलोर और बेंगलोर इसका बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि मंगलोर और बंगलोर जो है बारिश को लेकर कहाँ ज़्यादा बारिश होती है और क्या है मानसून को लेकर भी आशुतोष जी शादी हो गई है पर दिल तो बच्चा है जी और थोड़ा कच्चा है जी <laughs> किस गट को मठ को गलदे नामज्ञ लहस से कहा जाता है भाई निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मठ है जिसको गलदे नामगे लहस्य कहा जाता है भाई ये क्वेश्चन मठ के भाई ये याद रखना सिक्किम में अरुणाचल प्रदेश में जितने मठ है ना कृपया करके तिब्बत में इन मठों को याद कर लेना भाई क्योंकि ये मठ बड़े इंपॉर्टेंट है बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश के मठ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आंसर आ गया चौदह का बी 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 तवांग मठ शिशपाल का आंसर है बी बी ललितेश सैनी बी रोहित सोनी का बी कनिका एस का बी आशुतोष सर का तो आ चुका है रूबी का आंसर आ चुका है और शीशपाल का आंसर भी आ चुका है रोहित सोनी बोल रहे हैं तवांग अरुणाचल प्रदेश केशव तिवारी जी का आंसर भी आ चुका है सर साफ नहीं दिख रहा बेटा ये एक मठ है गलदे नामगे लहस्य इसका नाम है गलदे नाम नामगे लहस्य एक मठ है बौद्ध मठ इसको क्या बोलते हैं हेमिस मठ तवांग मठ बोमडिला मठ या नामद्रोलिंग मठ ठीक है ये है आंसर मतलब सॉरी ऑप्शन ये मठ के बारे में बात हो रही है बौद्ध मठ और बौद्ध मठ जो है वो याद रखना भाई तवांग का विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विवार है तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है ये आई बात समझ में अरुणाचल प्रदेश में और मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया करके अरुणाचल प्रदेश तिब्बत इनके मठों को याद कर लो बौद्ध चैत्य एंड विहाराज आज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम अरुणाचल प्रदेश और एक और चीज एक आप याद रखो कि ये सबसे बड़ा बौद्ध विवाह है विहार विश्व का विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार भाई चैत्य और विवाह विहार जो है ये बौद्ध धर्म के लिए मन बौद्ध जो भिक्षुक थे उनके लिए बनाए जाते हैं विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ याद रखना भाई इस क्वेश्चन को बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको बोलते गल नामगे लहस्य ठीक है अगला प्रश्न आपका ताबो मठ किस राज्य में स्थित है ताबो ताबो मठ ताबो मठ मठ ताबो मठ ताबो किस राज्य में स्थित है? मठ हिमाचल प्रदेश ठाकुर जी का आंसर आ चुका हिमाचल प्रदेश संजना चौधरी जी का बी हिमाचल प्रदेश रोहित सोनी का हिमाचल प्रदेश अजय कुमार जी का हिमाचल प्रदेश ललितेश सैनी का हिमाचल प्रदेश अंशु दीक्षित जी का हिमाचल प्रदेश सभी का हिमाचल प्रदेश आ रहा आंसर क्या बात है भाई बिल्कुल जयराम ठाकुर वहाँ के सीएम है बिल्कुल सही है भाई रीना रोहित जी का भी आंसर सही है हिमाचल प्रदेश और वहां एक घाटी पाई जाती है जिसका नाम है लाहौल स्पीति घाटी इस लाहौल स्फीति घाटी में स्थित है यह मठ आई बात समझ में और हेमिस जम्मू कश्मीर में था हेमिस जो पिछली बार आया था ठीक है और बिल्कुल मोनास्ट्री हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है सर और स्पीति में तीन हजार पचास मीटर की गहराई में है मतलब ऊंचाई पर है तीन हजार पचास ये भी याद रखना ठीक है वैसे पूछा नहीं जाता है इतना और लाहौल स्पीति घाटी में ठीक है हिमाचल प्रदेश में आगे देखिए शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है और क्यों फेमस है शरावती परियोजना राम राम रीना रोही जी शरावती परियोजना क्यों फेमस है भाई शरावती परियोजना क्यों फेमस है भाई और शराबती किस राज्य में है अब सबसे लंबी सुरंग भी वही खोजी गई है अंशु दीक्षित जी का आंसर है बी रोहित तो सोनी का आंसर है कर्नाटका प्रपात ठाकुर साहब का आंसर है बी ललितेश सेनी जी का आंसर बी रावती रिवर है ठाकुर जी ने बोला कर्नाटक में कर्नाटक के एस येदुरप्पा बिल्कुल सीएम है बीजेपी से और यहां भी कुछ ही दिनों बाद चुनाव हो सकेंगे ठीक है बी कर्नाटक बिल्कुल सही और इस पर ही है आपका जोग जल प्रपात ठीक है शरावती नदी में ही जोग जल प्रपात ठीक है ये याद रखना जोग जल प्रपात आपका जो है ये, ये इसी नदी पर है ठीक है शरावती बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन अच्छा था भाई बहुत आते हैं ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं बार बार गौर सप्पा भी कहते हैं ये भी याद रखना जोग जल प्रपात को हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है नमस्ते नरेंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है यहां पर और ये बिल्कुल सही बात है इसको गोर सप्पा भी कहते हैं गोरसप्पा ठीक है अगला प्रश्न आप लोगों के लिए हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है हरित क्रांति का पिता किसको कहते हैं ए बी शीशपाल का आंसर है बी हरित क्रांति का पिता किसे कहते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन न बोर्लॉग वर्गीस कुरियन या इनमें से कोई नहीं बताइए भाई सर तो सीधा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं चेतन राघव जी भी आ चुके हैं बी क्या बात है चेतन सर आते हंगामा चाह रहे हैं आप तो ललितेश सैनी जी ए और रोहित सोनी का आंसर है ए बेटा ए आंसर आपका जो है ये गलत है ये याद रखो आंसर है बी नॉर्मन बोरलॉग ये विश्व में विश्व में सर्वप्रथम हरित क्रांति को लेकर आए थे ठीक है ये भारत में हरित क्रांति के पिता हैं स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के पिता हैं ठीक है थीके? ये याद रखना और सफेद क्रांति के पिता थे दूध वाली क्रांति जो है वर्गीश कुरियन सफेद क्रांति के पिता थे ये ठीक है ये याद रखना भाई सफेद क्रांति के पिता वर्गीश कुरियन ठीक है सफेद क्रांति के पिता है तो आंसर आपका नॉर्मल बोरलोग आएगा जब अगर आपको सीधा सीधा हरित क्रांति का पिता पूछा गया हो भारत का पूछा गया हो तो स्वामीनाथन और अगर सफ़ेद क्रांति का पिता पूछा गया तो वर्गीश कुरियन ये प्रश्न इसलिए भी इम्पोर्टेंट अभी जो सबसे फेमस हुई है टी वी एफ उसमें बार बार स्वामीनाथन के नाम पर नारे लगाए गए थे कि स्वामीनाथन बनेंगे जय जवान जय किसान जो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा नारा दिया गया था ठीक है तो इसीलिए ऐसे प्रश्न जो करंट से कुछ ज़्यादा रिलेटेड है वो आ सकते हैं आपके अगला पोलावरम प्रोजेक्ट अरे सर इंडियन ज्योग्राफी चल रहा था ना <laughs> तो भाई इंडियन ज्योग्राफी चल रहा था अच्छी बात है लेकिन ये इंडियन ही है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछे जाते ताकि आप इंडियन ज्योग्राफी को डिफ्रेंशिएट कर पाओ कोलावरम नोट वाईज कोलावेरी कोलावेरी डी आई एम आस्किंग अबाउट इन विच स्टेट इज द पोलावरम प्रोजेक्ट लोकेटेड मध्य प्रदेश गुजरात आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका सब लिख रहे हैं एपी आंध्र प्रदेश सुतोष कुमार जी कनिका जी शशिपाल प्रिया ठाकुर जी ललितेश रोहित सोनी दीपू जी ऑन गोदावरी रिवर आंध्र प्रदेश बिल्कुल पोलावरम प्रोजेक्ट जो है यह आंध्र प्रदेश की बहुउद्देश्य परियोजना है जो गोदावरी जिले में स्थित है और गोदावरी नदी पर ही स्थित है 2004 में इस पर कार्य प्रारंभ होता दो तक अभी तक ये कार्य कार्यशील ही है गोदावरी जिले में ठीक है नदी भी गोदावरी और बहुउद्देश्य परियोजनाएं भैया बहुउद्देश्य परियोजनाएं जो हैं बहुत देश के आधारभूत स्ट्रक्चर की जान होती है याद रखना बहुउद्देश्य परियोजना है ठीक है भागड़ा नांगल बांध ये भी बहुउद्देश्य परियोजना थी है ना तो बहुउद्देश्य परियोजना है 2004 में इसका कार्य प्रारंभ हो गया था लेकिन 2019 तक प्रक्रिया क्या है प्रगतिशील अवस्था में अभी तक भी आई बात समझ में प्रगतिशील अवस्थक अवस्था में अभी तक भी ये प्रोजेक्ट और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता जो है मतलब क्रियाशील हो चुका है चल चुका है ये ठीक है बिल्कुल पापी कोंडा नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश सबसे पहला भाषा आधारित राज्य था बिल्कुल सुनील तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है जी हाँ आप वो डाल रहे हैं इसका स्टेट कब बना था ये बिल्कुल सही है अगला क्वेश्चन देखिए भारत के सबसे बड़े कॉफी उत्पादक राज्य का नाम बताइए भाई सबसे बड़े कॉफी उत्पादक राज्य का नाम बताइए भाई नेस्कफे ब्रू बताइए भाई भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटका केरला क्या बात है सभी का आंसर बिल्कुल सही है कर्नाटक उसके बाद केरल और फिर तमिलनाडु है भारत में ठीक है कर्नाटक पहले स्थान पर है उसके बाद है केरल और फिर तीसरे पर है तमिलनाडु ठीक है भारत में एकमात्र मटमेला ज्वालामुखी मटमेला जिसमें से कीचड़ निकलता है धूल निकलती है किस स्थान पर स्थिति में कीचड़ निकलता है धूल निकलती है डेविड ऑफ कॉफी क्या बात है सर नया ब्रांड बता रहे हो महंगी कॉफी होगी हमने पी नहीं आज तक हमने तो सर अधिकतर आकाश सर ने तो हमको ब्रू कॉफी पिलाई है या नेस्कवे पिलाई है अरेबिका एंड रोस्टा बोथ टाइप ग्रोन एयर बिल्कुल अरेबिक अरे, अरे वाह कॉफी के इतने लजीज अंकित सिंह जी भी आ चुके हैं हमारे बीच इसका बी रूबी का आंसर बी अंशु दीक्षित जी का बी रोहित सोनी का आंसर बी आशुतोष जी आंसर दे रहे हैं बी बेरम द्वीप प्रीति गुप्ता जी का बी कनिका एस का आंसर है बी पी बी बी, बी। शीशपाल का आंसर है सी वाह बेटे बड़ा हेवी ड्राइवर निकल रहा तू तो शीशपाल नमस्ते रवि सैनी जी स्वागत है आपका बहुत बहुत लाइव स्ट्रीमिंग में भाई यह ऐसा प्रश्न है जो अधिकतर की जिंदगी खतरे में डाल सकता है कैरियर बर्बाद कर सकता है इसका आंसर है बारटांग द्वीप बैरन तो भैया सक्रिय ज्वालामुखी है भारत में सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखी से जब बात करते हैं तो बैरन और नारकोंडम की बात होती है परंतु मटमेले ज्वालामुखी की बात करें तो बारटांग द्वीप एक ऐसा द्वीप है जिसमें अकेले आठ ज्वालामुखी द्वीप समूह है आठ ज्वालामुखी द्वीप और ये सारे ज्वालामुखी द्वीप अधिकतर जो है ये कैसे मटमेले ज्वालामुखी हैं ये प्रश्न कुछ वीआईपी था अंदर से था ठीक है और प्रश्न भी जिस साल पूछा गया वो साल था एसएससी का और वो साल था 2010 हजार दस आई बात समझ में यूपीएससी बहुत पहले का प्रश्न है ऑप्शनल में उन्नीस ठीक है इसके अलावा यू इसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा तो मटमेला बाटांग द्वीप बहुत पुराना प्रश्न है आई बात समझ में अगली बार कुटिया में आएंगे तो जरूर पिलाएंगे डेविड ऑफ बिल्कुल आपकी कुटिया में भी आएंगे और तो धोखा हो गया भाई बिल्कुल सही बात है सबके साथ और शीशपाल का आंसर मुझे इसलिए सही लगा बंदे ने कुछ इम्प्रोवाइज तो किया उसने अलग सोचने की कोशिश तो की इसलिए शीज से बोला बड़ा हेवी ड्राइवर है भाई तू ठीक है बस थोड़ी सी ड्राइविंग में अभी कला बाकी है थोड़ी सी ठीक है प्रिया सिन्हा जी वो ये सब डेविड कोफ कॉफी ले गया आंसर गलत <laughs> देख लीजिए सर आशुतोष सर आपकी कॉफी पर कितने गलत आंसर आ गए सबके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी किसका सी ए कनिका इसका आंसर है चेतन कौर सर का आंसर ए अंशु दीक्षित जी का है आशुतोष कुमार जी का है कृति गुप्ता जी का है बिल्कुल सही है भाई छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है भाई ठीक है उड़ीसा नहीं है कह रहे आशुतोष जी सर कभी कभी सचिन भी जीरो पे आउट होता है सर वो सचिन की बात नहीं कर रहे हम तो कह रहे हो कॉफी की बात कर रहे हैं सर नाइनटीन एटी टू में घोषित किया गया था भाई ठीक है याद रखना तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है तुलबुल बस्तर रीजन में है अनुसुया बुलबुल परियोजना बिल्कुल न किसी की हार में न किसी की जीत में हम तो अपने प्रयास में ही मदमस्त हैं किंचित नहीं भयभीत में काल के कपाल पर लिखकर मिटाता हूं तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है तुलबुल सभी चुलबुल पांडे आंसर दे दो तुलबुल जो जो चुलबुल पांडे बनना चाहते हैं आंसर दे दीजिए तुलबुल कहा है बाईस का सी बिल्कुल सही है जम्मू कश्मीर में जेलम नदी पर है ये ठीक है भाई बिल्कुल सही आंसर है भाई ठीक है तुलबुल परियोजना आगे देखिए भाई आंसर किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं आप क्या सोच रहे हो केवल मनुष्यों में राजा रानी होते हैं क्या बंद बंदरगाहों में भी राजा और रानी होते हैं अरब सागर की रानी बिल्कुल झेलम सात सौ पच्चीस किलोमीटर लंबी है शाबाद सुनील कौन है भाई अरब सागर की रानी सारे बंदरगाह कहते होंगे भाई अरब सागर अरब सागर कहता होगा सभी बंदरगाहों से कि बन जा तू मेरी रानी तेन जहाज दिला दूंगा <laughs> कोची 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 एक तरफ से कोची लग रहा है भाई सबका आंसर एक तरफ से कोची आ रहा है भाई बिल्कुल सही आंसर है कोची बंदरगाह जो है कोची बंदरगाह आपके अरब सागर की रानी कहा जाता है ये वेम्बनाद कयाल में स्थित है ठीक है वेम्बनाद कायल भूमि जो होती है कयाल भूमि जिसको हम बोलते हैं उस भूमि में स्थित है कयाल भूमि ठीक है समुद्र का पानी के इकट्ठे होने से जो भूमि बनती है जिससे जमीन वहां की कैसी हो जाती है जमीन की जो मतलब जिस जमीन है उसमें नमक की मात्रा ज्यादा हो जाती है ठीक है वेम्बनाद कयाल भूमि और वहीं पर एक लेगून झील भी बनती है लेगून झील का निर्माण भी होता है ठीक है लेगुन का निर्माण ये भी याद रखना लेगून सबसे बड़ी लेगुन उड़ीसा में चिल्का झील जिसको हम बोलते हैं ठीक है चिल्का मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है मंगल 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 मंगल, मंगल हो यहां भी थोड़ा सा कंप्यूटर मोदे गलती कर गई यहां मंगल आएगा सी मैंग्रोव वन पीछ ने सबसे पहले आंसर दिया भाई रूबी का आंसर आया सी रोहित सोनी का आंसर है सी अंकित सिंह का आंसर है चौबीस का डी प्रिया सिन्हा का आंसर है सी ललितेश सेनी का आंसर है सी आशुतोष कुमार जी बोल रहे हैं सी संजना चौधरी जी का आंसर है सी शशिपाल गहरा गलत दिया है क्या गलत दिया है बेटा अजय कुमार जी का आंसर है सी किशोरी शर्मा जी का आंसर है सी वो तो अभी पता लगेगा किसका गलत है और किसका सही है भारत में सुंदर वन की तरफ दलदली वन पाए जाते हैं और उसी दलदली वन में झाड़ीदार जो पौधे होते हैं उन्हें बोलते हैं मैंग्रोव सुंदर वन में पाए जाते हैं भाई याद बता ठीक है सुंदरवन में पाए जाने वाले झाड़ी नुमा पौधे जो दलदली युक्त मिट्टी में पाए जाते हैं दलदल युक्त मिट्टी है वहां की मृदा दलदली मार्श गैस की प्रधानता होती है वहां पर मार्श गैस की है ना ठीक है सुंदरबन के टाइगर भी बड़े फेमस है ठीक है लॉन्ग टेल टाइगर बोलते हैं लंबी पूंछ के टाइगर रॉयल बंगाल टाइगर बोलते हैं जी ठीक है मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है ना याद रखना भाई ये सहायक नदियां किस किस की है भाई बिल्कुल सही है सर वैसे हर नदी के डेल्टा में मैंग्रोव पाए जाते हैं लेकिन सुंदरबन के मैंग्रोव जो है वो दुनिया में विश्व मतलब विश्व प्रसिद्ध मैंग्रोव है हाँ कहीं ज्यादा कहीं कम कभी खुशी कभी गम अमरावती अरकावती भवानी चिन्नर हेमावती होनोहुल और काबिनी किसकी सहायक नदी है ठाकुर साहब बोल रहे सर सभी से लायक और शेर की बोल दिया करो बिल्कुल ठाकुर साहब ये शुरुआत अंत में जो है मैं जरूर बोल के जाता हूं बीच बीच में इसलिए नहीं बोलता हूं कि क्योंकि कई बच्चे आंसर को खोज रहे हैं आंसर्स को दे रहे हैं तो कहीं उनका डिस्टरबेंस ना हो उनके बीच हमारा लाइक शेयर तो चलता ही रहेगा कोई बात नहीं क्योंकि तो ये वीडियोस लाइक शेयर के लिए कम और हम अपने बच्चों के लिए ज़्यादा बनाते हैं जो हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं बच्चे और वो रोज़ाना क्लास में आते हैं उनका रिविज़न करते हैं यहाँ पर रोजाना जी का उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो लाइक शेयर के लिए वीडियो और क्या है कि मन से कभी आया नहीं बार बार बोलने का वो अंदर से आता नहीं है भाई बताइए भाई गूगल कर रहे हैं <laughs> 100% c भाई सुनील ने तो सॉरी रोहित सर ने तो बोल दिया 100% c अरे बेटा ये तो 100% a है a कावेरी नदी है भाई कावेरी नदी जो पश्चिमी घाट से निकलती है 765 किलोमीटर लंबी है कहा क्या ढूंढ लिया भाई अमरावती अर्कावती भवानी चिन्नर हेमावती ओनओल और काबिनी और इस काबिनी नदी पर तो एक बहुत फेमस कविता है नंदिनी नायर की बहुत फेमस कहानी है सॉरी बहुत फेमस कहानी है सॉरी द रॉयल पेरेड द रॉयल पेरेड बहुत ही फेमस है भाई ये स्टोरी द रॉयल पेरेड रिटर्न बाय नंदिनी एक हाथी और एक लड़की की दोस्ती रिटर्न बाय नंदिनी नायर और ये आप लोग सब पढ़ते होंगे क्लास थर्ड क्लास थर्ड में आती है, है बहुत फेमस है द रॉयल परेड नंदिनी नायर भारत और बांग्लादेश के बीच फर्रुख का विवाद विवाद किस नदी पर है कल की क्विज जो होगी वो हिंदी विषय पर होगी भाई क्योंकि यूपीएसआई राज एस आई और अन्य एग्जाम अन्य परीक्षा में हिंदी का एक इंपॉर्टेंट रोल है तो हिंदी सब्जेक्ट पर उसकी जो एक क्विज होगी भाई ठीक है पर्रुका बांध विवाद किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर है भाई भारत और बांग्लादेश हमेशा इस नदी पर जल को लेकर विवाद होता है भाई बी 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 हंड्रेड परसेंट भी हरेंद्र कुमार कह रहे हैं हंड्रेड परसेंट भी तो सोनी आंसर लिख रहा है फिर मिटा दे रहा फिर लिख रहा फिर मिटा दे रहा है भाई आंसर होगा आपका ए गंगा नदी के किनारे पर है फर्रुखा बांध गंगा नदी के किनारे पर है आई बात समझ में गंगा नदी के किनारे पर है फर्रुखा बांध ये याद रखना मुर्शिदाबाद में ठीक है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में और बांग्लादेश से लगभग साढ़े सोलह किलोमीटर की सीमा बनाता है मुर्शिदाबाद में है और बांग्लादेश से मुर्शिदाबाद में पश्चिम बंगाल के अपना पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से लगभग साढ़े सोलह किलोमीटर की सीमा बना रहा है भाई ठीक है और 1972 में यह परियोजना ये बांध बना था उन्नीस में और इसमें गंगा नदी के पानी को लेकर बड़ा विवाद है कि जैसे ही भारत में बाढ़ आती है उसके गेट खोल दिए जाते हैं जो पश्चिम बंगाल से होते हैं फिर बांग्लादेश में बाढ़ का प्रमुख कारण बनती है और पानी के बंटवारे को लेकर विवाद भी है भाई इसमें ठीक है तो गंगा नदी और एक और नदी है जिसमें भी विवाद है लेकिन उस पर फर्रू बांध नहीं बना हुआ वो है तिस्ता नदी स्ता नदी के पानी को लेकर भी भारत और बांग्लादेश में आपसी विवाद है ये नदी विवाद बड़े इंपॉर्टेंट है प्रश्न बनते इन पर ठीक है ये याद रखना है ना इंडोनेशिया की लदांग कृषा प्रणाली किस पर प्रकार की है इंडोनेशिया की लदांग कृषि प्रणाली बताइए भाई शिफ्टिंग एग्रीकल्चर स्थानांतरित कृषि बी आंसर दिया भाई सबने पचास परसेंट बी हरेंद्र कुमार जी कह रहे पचास प्रतिशत बी पर उनको विश्वास है क्या बात है हरेंद्र जी पूरा अंदर से नहीं आ रहा है क्या दो तो प्रतिशत का विश्वास नहीं आ रहा है कोई बात नहीं यहाँ पचास प्रतिशत है तो मैं पूरी उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में आपका ये विश्वास पूरा सौ प्रतिशत होगा झूम खेती चेतन कौर सर ने बता दिया झूम खेती तो भाई बिल्कुल झूम जाते हैं भाई बिल्कुल सही बात है स्थानांतरण कृषि इंडोनेशिया की लदांग कृषि प्रणाली शिफ्टिंग कल्टीवेशन है भाई और भारत में इसको झूम के नाम से जानते झूमिंग कृषि कृषि या झूम कृषि है ना और उस दिन जीत हुई थी भाई दीपू जी की और सोना सिसोदिया की झूम झूम में भाई इसको ठीक है और याद रखना एक बात अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व में तो मिल्पा बोलते हैं उसको युकाटन में मिल मिल्पा मिलिया मेक्सिको में मसोले कांगो और रे बोलते वियतनाम में याद रखना है कुछ नाम ठीक है मतभंगा नदी किन दो देशों के बीच में है मतभंगा मतभंगा नदी बंगा नदी भारत और नेपाल दीपू जी का आंसर है उमा का आंसर है डी आशुतोष जी का आंसर है अट्ठाइस का बी बेटा एक और क्यों आने वाली है आप सभी व्यूवर्स को बता दूं अठारह की क्रांति पर यह क्विज लाई जा रही है जो रविवार को होगी ये क्विज दी जा रही है इस बार आकाश सर की तरफ से और इनाम भी उन्हीं की तरफ से है पांच सौ रुपए का फोन पे या पेटीएम या गूगल पे जो भी हो बिल्कुल सही आंसर है भारत बांग्लादेश भारत और बांग्लादेश के बीच ये नदी सीमा बनाती है और कई भागों में बटी हुई है ठीक है ये याद रखना भाई ठीक है कई भागों में बटी हुई है भारत में कोई जगह पूछे तो कृष्णगंज बता देना ठीक है कृष्णगंज से ये कृष्णगंज से निकलती है निम्नलिखित में से किस पर्वत को फाइव ट्रेजरर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है फाइव ट्रेजरर्स ऑफ ग्रेट शो बस सर छह क्लास छह सॉरी चार प्रश्न रहे इसके बाद चार से पांच प्रश्न आंसर आगे होंगे भाई सभी के सी 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 बी सी भाई इसका आंसर है सी कंचनजंगा भारत की सर्वोच्च चोटी इसकी ऊंचाई बता दो भाई कमेंट में भारत की सर्वोच्च चोटी कंचन जंगा ये याद रखना भारत की सर्वोच्च एशिया की सर्वोच्च चोटी है माउंट आबू सॉरी माउंट एवरेस्ट बिल्कुल रविवार को टेस्ट लिया जाएगा भाई रविवार को टेस्ट है मतलब इसी तरह की क्विज है जो ज्यादा आंसर देगा उसके पॉइंट बनते जाएंगे बिल्कुल भाई भाई मैंने कहा था कमेंट में आंसर दे दो कितनी है इसकी ऊंचाई अभी तक किसी का आंसर आया क्या अरे वाह वाह एक साथ बहुत सारे आए पिचासी सौ छियासी पिचासी अट्ठानवे पिचासी छियासी मीटर या पिचासी अंठानवे भाई पिचासी छियासी मीटर भाई सुनील कहां पहुंच गया इतना ऊपर लेके अगला सतमाला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है सतमाला की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है सतमाला सतमाला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है सतमाला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है सी 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 महाराष्ट्र बिल्कुल सही है भाई नब्बे प्रतिशत नहीं भाई बिल्कुल हंड्रेड परसेंट शाबाश हरेंद्र कुमार जी महाराष्ट्र में सयाद्री श्रेणी में जो नासिक जिले में नासिक जिले से और नासिक में कुंभ भी लगता है ठीक है ना महाराष्ट्र गोदावरी नदी पर पनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है पनिहाल दर्रा उद्धव ठाकरे बिल्कुल सही है भाई कौन बोल सकता है उधर तो पनिहाल दर्रा हंड्रेड परसेंट सी है किसका आंसर सी है भाई अंशु दीक्षित जी अच्छा हंड्रेड परसेंट ए है बिल्कुल बनियाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में है जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सही है भाई जो पास इज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर इन इंडिया बाबा बुदान बुदान आ गया लिखा हुआ बाबा बुदान। बाबा बुदान की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है बड़ी फेमस पहाड़ियां भाई लोह इस्पात का उत्पादन बहुत होता है यहां से ठीक है बाबा बुदान की पहाड़ियों से आयरन और बताओ भाई बाबा बुधान कर्नाटक 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 क्या बात है अधिकतर कर्नाटक उमा का आंसर भी आया बाकी सबका आंसर आया कर्नाटक उमा बेटा कर्नाटक में ही है ठीक है चिकमंगलूर कर्नाटक के चिकमंगलूर में ठीक है तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थिर है तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है आंसर आना चालू हो गए भाई बी 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 किशोरी शर्मा जी का आंसर आया सी दीपू जी का बी बी उमा सिकरवाल का आंसर है सी रूबी ने आंसर मिटा लिया ललितेश का आंसर सी रोहित सोनी का आंसर सी भाई आंसर है आपका सबका उड़ीसा तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट जो है उड़ीसा में स्थित है भाई आई बात समझ में याद रखना भाई ये उड़ीसा में है अंगुल जिले में 460 मेगावाट का है ये नहीं बेटा वेस्ट बंगाल नहीं है अंगुल जिले उड़ीसा में अंगुल जिले में उड़ीसा के गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है बताओ भाई गुरु शिखर सी 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 बिल्कुल भाई अरावली पर्वतमाला राजस्थान की अरावली पर्वतमाला जिसका विस्तार दिल्ली से लेकर पालनपुर गुजरात तक है उस अरावली पर्वतमाला में माउंट आबू सिरोही सिरोही में माउंट आबू पर्वतमाला माउंट आबू पर्वत है उस माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है 1628 मीटर इसकी ऊंचाई है और अरावली पर्वतमाला जो है ये पर्वतमाला अब अपशिष्ट पर्वतमाला की श्रेणी में आ चुके हैं यानी कि बहुत पुरानी पर्वतमालाएं हो चुकी है ठीक है अपलेशन पर्वतमाला के बराबर की इसकी उम्र मानी जाती है ना और इस तरह आप सब याद रखो अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन यू क्रिएट देम यानी कि कुछ अच्छा होने वाला है इस पर डिपेंड मत रहो जो आप करोगे वही अच्छा होगा लेकिन उसके लिए आपको अथक प्रयास और मेहनत करने होंगी इसके अलावा हम आपके साथ तैयार हैं कल हिंदी पर क्विज होगी सामान्य हिंदी जो राजस्थान एस आई यू के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न भी ज़्यादा होंगे 60 से 70 प्रश्न होंगे कल और इसके अतिरिक्त आप याद रखना आप सबको कोरोना से अपना बचाव रखना है सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और मास्क का उपयोग करें इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं कोविन वेबसाइट पर या फिर आप उमंग ऐप या आरोग्य सेतु पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जल्दी से वैक्सीन लगवा लीजिए वैक्सीन की पहली डोज भी लग जाएगी तो लगभग 70 प्रतिशत कोरोना से होने वाले खतरों से बच जाओगे आपके शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न होने लग जाएगी और पॉजिटिव रहे कोरोना पॉजिटिव नहीं सकारात्मक रहे बस आए बात समझ में ज्यादा ना सोचें तो अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं सक्षम है तो मदद करें और रोजाना अपनी पढ़ाई करें इस लॉकडाउन का फायदा उठाएं और शाम को नौ बजे टाइम से आ जाएं धन्यवाद गुड नाइट हिंदी सभी मिक्स हिंदी का पूरा मिक्स होगा भाई